प्रेजेंटेड बाय संबल आपका शहर होम टास्क। होम टास्क के तीसरे टास्क को आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में पूरा किया। कोरोना महामारी के प्रति लोगों में भय का माहौल है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात कोरोना संदिग्धों की जांच करा रहा है और उन्हें लगातार जागरूक करते हुए बचाव के उपाय बता रहा है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों व कर्मचारियों की हर तरह प्रशंसा हो रही है, वहीं हमारे तीसरे टास्क के जरिए जो लोगों ने इनका उत्साहवर्धन किया वो सराहनीय है। नमस्कार, संबल आपका शहर। आज का जो हमारा होम टास्क जो मिला है उसका सब्जेक्ट है डॉक्टर्स और कर्मचारियों को मोटिवेट करना। तो कोरोना वायरस की जो लड़ाई है तो उसमें सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स तन मन से अपने प्राणों की रक्षा किए बिना लगातार दिन रात लगे हुए हैं, तो वो बहुत सराहनीय कार्य है। समाज में जो फैलाई हुई गंदगी है उसको साफ करने का काम तो सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो महामारी है तो उसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर्स लगे हुए हैं। तो उनके लिए मैंने सुरक्षित कुछ पंक्ति तैयार की है, वो बोलना चाहूँगी। आओ झुककर प्रणाम करें उन्हें, आओ झुककर प्रणाम करें उन्हें जिनका समय देश के काम आया है। हम तो बैठे हैं अपने घरों में, उन खुशनसीबों का जीवन देश के काम आया है। कोरोना के मरीजों का देखकर हाल सबका दिल कांपता है, ये केवल डॉक्टर्स के ही बस की बात है जो इनको संभालता है। जय हिंद, जय भारत। संभल आपका शहर ने टास्क हमें होम टास्क दिए हुए हैं। हमने कल प्रशासन के ऊपर दिया था, जो पुलिस अधीक्षक श्रीमान यमुना प्रसाद जी ने हमारे विचारों को बहुत सराहा। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। आज का टास्क हमें दिया है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स मतलब एक खुदा का ही दूसरा रूप होते हैं, भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं, जो कि हमें उन परिस्थितियों में से उबारते हैं जहां हम अपनी आशा छोड़ देते हैं जीने की। वैसे ही आज हमारे हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस आया हुआ है, जिससे काफ़ी सभी बहुत परेशान हैं और सभी इससे बचना चाहते हैं, और यहां पर डॉक्टर्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब अगर परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके परिवार के सगे संबंधी, यहाँ तक कि पत्नी या पति या बच्चे भी उनका साथ छोड़ देते हैं, या वो खुद ही उस परिवार को छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ ही डॉक्टर्स हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा मानना है कि जिनके साथ हम जिंदगी भर रहते हैं, इस बीमारी को अगर जिनके पास आई है वो ही छोड़ के चले गए, या वो खुद छोड़ के चले गए, परिवार ने उन्हें छोड़ दिया, तो जहाँ डॉक्टर्स ने उनका हाथ थामा हुआ है, ऐसे जज्बे को, ऐसे डॉक्टर सभी को मैं सलाम करती हूँ। और यही चाहती हूँ कि डॉक्टर्स का जीवन भी सुखमय और कल्याणमय रहे, जिससे उनके परिवार में खुशहाली रहे। वो अपने परिवार को और घर परिवार को छोड़ करके अपने हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी 24 आवर्स की दे रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सभी देशवासी उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। YouTube चैनल संभल आपका शहर के माध्यम से मैं भारत विकास परिषद की अध्यक्ष प्राची गुप्ता सभी डॉक्टर्स और सभी कर्मचारियों को, हेल्थ वर्कर्स को, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में समाज एवं देश को बचाने में अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के और देश के नागरिकों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे अपने परिवार व बच्चों से भी नहीं मिल पा रहे हैं कि उनका परिवार संक्रमित ना हो जाए, इसलिए वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। विशेष तौर से मैं उन डॉक्टर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो संक्रमित रोगियों का इलाज कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने सैकड़ों मरीजों को ठीक भी किया है। ऐसे मुश्किल समय में हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके इस योगदान को समझें और उनका सम्मान करें। और साथ ही मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सभी अपने घरों में रहें, जिससे कि हम डॉक्टर्स की मुश्किलें ना बढ़ाएं और निश्चित ही कोरोना हारेगा। जय हिंद, जय भारत। कथा जग गाएगा, भविष्य में नाम तुम्हारा ही छाएगा। शौर्य गाथा जग गाएगा, भविष्य में नाम तुम्हारा ही छाएगा। तुम ही देवों के दूत हो, भविष्य में बाप यही अपने बच्चे को बतलाएगा। संकट की घड़ी में तुम आगे आए हो, संकट की घड़ी में तुम आगे आए हो, सबके मन को अब बस तुम ही छाए हो। अपने प्राणों की ना तुम करते चिंता,
पर सबके प्राणों की रक्षा करते पाए हो। डॉक्टर्स तुम वंदनीय हो, डॉक्टर्स तुम वंदनीय हो, सफाई कर्मचारी तुमको मेरा नमन हो। छोटे छोटे बच्चे घर में मुस्काते कहते पापा तुम ही बस सफल हो, कहते पापा बस तुम ही सफल हो। संभल आपका शहर जो कि संभल का सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल है, लॉकडाउन होने पर लोगों को घर पर बैठे बैठे मनोरंजन के लिए इस चैनल द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। इस चैनल से होम टास्क के अंतर्गत आज डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों के लिए संदेश को इसके द्वारा चुना गया है। मैं आज डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर MGMPG कॉलेज संभल डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए अपने मन के भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। लॉकडाउन में ऐसी भयावह कोरोना जैसी महा बीमारी के लिए बल्कि महामारी के अवसर पर बिना किसी जाति धर्म को बीच में लाए बिना डॉक्टर्स हमारे लिए समाज के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए संपूर्ण समाज की निस्वार्थ सेवा में निरंतर संलग्न हैं। अतः ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि ये सभी हम सब के लिए भगवान स्वरूप एवं देवदूत सदृश हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर बार अपने नन्हे मुन्ने बच्चों और अपने बुजुर्ग माता पिता से दूर रहकर कोरोना से पीड़ित तथा अस्वस्थ समाज की सेवा में दिन रात एक कर दिया है। हम इनके जीवन रक्षा की कामना करते हैं। YouTube चैनल अपना शहर संभल के माध्यम से मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, उन डॉक्टर्स नर्सेस और सफाई कर्मचारियों के बारे में जो दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। मैं एक हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है कि जब जब किसी बीमारी ने हमारे देश में महामारी का रूप लिया है तब ये डॉक्टर्स भगवान के रूप में सामने आए हैं। मैं सोचती थी कि कैसे होंगे ये लोग, कैसे होंगे इनके जज्बात, बट आज जब मैं देखती हूँ तो मैं समझ पाई हूँ कि सच ये भगवान का ही रूप है। इन्होंने अपना परिवार अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ हमारी सेवा में ये लोग लगे हुए हैं। दिन रात ये एक करके इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना है, हमेशा पढ़ा है कि ईश्वर ने कहा है कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैंने माँ को बनाया, बट आज मैं ये बात कहती हूँ कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने डॉक्टर्स को बनाया है। नमस्कार, मैं निशिकांत तिवारी इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस समय हमारा देश एक बड़ी भयंकर और बड़ी सशक्त बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है COVID-19। तो इस संबंध में हमें जागरूक रहकर ही इस बीमारी से लड़ना होगा और इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा प्रयास या प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इसमें गवर्नमेंट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने घर में अपने आप को सुरक्षित रखना है और इस परीक्षा की घड़ी में हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम सरकार को इस परीक्षा में पास होकर के दिखाएं और देश में एक अच्छा संदेश दें। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारियों को जो दिन रात मेहनत करके अपना योगदान शहर संभल को दे रहे हैं। मैं गाना डेडिकेट करता हूं उनके लिए। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे
वतन तेरे लिए। धन्यवाद। मैं श्रुति आयुष शुक्ला, शुक्ला मार्केट से। मेरा आप सबसे यही अपील है कि हम अपने डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी व सफाई कर्मचारियों को सहयोग करें ताकि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो। हम ये सहयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर हमें फीवर या कोल्ड है तो हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, लॉकडाउन ना तोड़ें और कचरा इधर से उधर ज़्यादा ना करें तो उससे इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा। तो हम खुद भी सैनिटाइज रहें और दूसरों को भी सैनिटाइज रखें और स्वच्छ रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नमस्कार, मैं पूनम शुक्ला, लायनेस क्लब के अध्यक्ष। आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा देश एक भयंकर महामारी से गुजर रहा है, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। और ये लॉकडाउन का हमें सबको सम्मान करना चाहिए, इसका और सहयोग करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे शहर के डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी व सफाई कर्मचारी हर समय हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं, जिनके बलबूते आज हम घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तीनों के सम्मान के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि छोटे हैं वो शब्द। केवल मैं इतना ही कहूँगी इनके लिए कि इन्हीं तीनों के बलबूते आज मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। भरोसा है मुझे इन तीनों पर, इन्हें पर नाच करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, इसलिए हाथों को अच्छी तरह से धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। संभल आपके शहर की इस पहल को शेयर करें।